जिलों में DMFT की बैठकें लंबे समय से नहीं होने के कारण प्रभावित हो रहे विकास कार्यों के संबंध में। उपरोक्त विषय में सादर अनुरोध है कि नागौर जिले सहित प्रदेश के कई जिलों में पिछले कई सालों से DMFT की मीटिंगें आयोजित नहीं हुई और कोरोना काल में भी प्रदेश के कई जिलों में अधिकारियों ने अपनी मन मर्जी से नियमों को दरकिनार करके सिर्फ कागजों में मीटिंग का आयोजन करके स्वीकृतियां जारी कर दी। नागौर जिले में पिछली मीटिंग 16 जुलाई 2018 को हुई, इसके बाद 3 साल से ज़्यादा समय हो गया लेकिन कोई मीटिंग का आयोजन नहीं हुआ। DMFT से जहाँ प्रत्यक्ष रूप से खनन प्रभावित गाँव है जो प्रदूषण की मार झेलते हैं, ब्लास्टिंग के समय जान माल को कई बार नुकसान झेलते आए और कई जगह खनन की गतिविधियों से प्रदूषण भी तेज गति से फैला है, इसमें सरकार को जहाँ खनन क्षेत्र है DMFT का पैसा वहीं खर्च करना चाहिए जहाँ से प्रत्यक्ष रूप से रॉयल्टी आ रही है, जबकि अधिकारी इस मामले को गंभीरता से नहीं लेकर उन प्रत्यक्ष गाँवों की बजाय और कई अन्य गाँवों में मोटा बजट खर्च कर देते हैं जो शिक्षा, चिकित्सा, पानी सहित अन्य सुविधाएँ जो उनको मिलनी चाहिए वे नहीं मिल पा रही है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो DMFT में प्रत्यक्ष गाँव है, इन गाँवों में माडपुरा से चाउंडिया तक, माणकपुर से लालाब तक, सीव से नौका चांदावता तक, अखासर से बामणियावाड़ा तक, रोड चंदावता से मांगलियावास तक, शिव से मांगलियावास सहित अनेक ऐसे प्रत्येक गाँव में सड़क का निर्माण DMFT फंड से करवाया जाए। माणकपुर, भोजास, तांतवास, बावंडा, देव, सेननी, डुकियों की ढाणी, कड़वासरों की ढाणी, रिया श्यामदास, रोड चंदावता, जनाणा, खजवाणा, बू डरावता, करणू, ताडावास, वेरावास, खोड़वा, हरिपुरा, डेरू, लालाब, गोवा कल्ला, शीलगांव, बेराथल, बेड़, चाउंडिया, माडपुरा सहित अन्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खनन प्रभावित गांवों में स्कूलों की जर्जर बिल्डिंग की जगह नई बिल्डिंग का निर्माण करने, कक्षों का आवश्यकता अनुसार निर्माण कराने, खेल मैदान विकसित करना, चार दीवारी निर्माण सहित अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिए कार्य करवाकर इसका फायदा खनन प्रभावित गाँवों के लोगों को दिया जाए। अतः महोदय, राजस्थान विधानसभा के कार्य संचालन तथा प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 उक्त लोकहित के महत्वपूर्ण विषय की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जगशी।